मुरैना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के अथक प्रयासों के अम्भान डिवीजन में पुलिस काफी सक्रिय है। तीनों थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाहियों में सफलता हासिल की है। खबर मुरैना से है, जहां मुरैना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और उप पुलिस अधीक्षक आशुतोष बाबरी के अथक प्रयासों से अम्भा डिवीजन में पुलिस काफी सक्रिय है। अम्भा SDOP राजेश कुमार सिंह राठौर और तीन थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाहियों में से सफलता हासिल की है। महुआ थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है, जिसमें 3 पिस्टल, 5 कट्टे, 1 अदिया को पकड़ा है। इस प्रकार अम्भा थाना प्रभारी अतुल सिंह ने अम्भा के पास कुमारपुरा गांव से एक बलात्कारी को धर दबोचा है, जिसने पड़ोस की महिला को धौंस देकर बलात्कार किया और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर परेशान कर रहा था। परेशान महिला ने अम्भा थाना आकर रिपोर्ट की, जिस पर बलात्कारी को तुरंत पकड़ लिया गया। इसी प्रकार नगरा थाना प्रभारी नरेश रंजन ने अंधे कत्ल में सफलता हासिल की है। अभी हाल ही में रंजीत सखवार ने सूचना दी कि रामावतार सखवार के खेत की मेड़ पर मेरी पत्नी की मृत अवस्था में लाश पड़ी है। इस सूचना को पाकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और एडिशनल SP आशुतोष बागरी जी ने जाकर मुआयना किया और छानबीन कर एक CCTV कैमरे में खरगोबाई और दशरथ पुत्र गुलजारी को साथ देखा गया और साक्ष्य पाकर दशरथ पुत्र गुलजारी को कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। तो मुजरिम पकड़ा, उसके बारे में आज क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, कल एक महिला है, उम्र 26 साल है, यहाँ अम्बा में रहती है। इसके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करके रिपोर्ट की गई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक रिंकू सखवार नाम का आरोपी है। उस दिन उसके पति बाहर गए थे, सिलाई काम करते हैं, बच्चे स्कूल में गए थे या अकेली थी, 2:30 बजे की बात है। तब रिंकू सखवार आया और इसने कट्टे का भय दिखा के उसके साथ जबरन बलात्कार किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर महिला काफ़ी भयभीत हो गई थी। तत्समय में रिपोर्ट नहीं कर पाई, कल वो रिपोर्ट के लिए आई, जिस पर तत्काल TI अम्बा श्री अतुल सिंह द्वारा प्रकरण कायम किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने एक विशेष टीम गठित की, जिसमें मोनिका शर्मा जो है उप निरीक्षक है, उनके द्वारा विवेचना की गई और आरक्षक पुष्पेंद्र और योगेंद्र जिनके द्वारा बड़ी मेहनत से और TI श्री अतुल सिंह द्वारा मेहनत से घेराबंदी करके आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ओके सर, थैंक यू। माननीय AD G महोदय हमारे चंबल जोन के द्वारा एक विशेष अभियान अवैध हथियारों और अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहा है, उनके द्वारा निश्चित किया गया, इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें, जिसके पालन में AD GP महोदय व DIG महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय असित यादव साहब द्वारा एक विशेष अभियान अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाने बाबत समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अनुपालन में श्रीमान एडिशनल SP महोदय द्वारा के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा ये चारों थाना प्रभारियों को, मेरे डिवीजन चारों थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि ये कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अवैध हथियारों की, इस पर कार्रवाई करें। उसी क्रम में थाना प्रभारी महुआ श्री जितेंद्र शर्मा द्वारा इनको आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अवैध हथियार की खेप लेकर उत्तर प्रदेश पिनहाट से होते हुए महुआ होते हुए इधर अम्बा तरफ आने वाले हैं, जिस पर कि थाना प्रभारी महुआ जितेंद्र शर्मा द्वारा अपने स्टाफ के साथ वहाँ चंबल नदी के किनारे पर उसैद घाट पर इन्होंने एम्बुशिंग की, तो एम्बुशिंग के दौरान करीबन 2:30 बजे दोपहर की बात है कि 2 व्यक्ति थैले लेकर उधर से आते देखे संदिग्ध अवस्था में, जो इनके पुलिस द्वारा इनको घेराबंदी कर टोका गया तो ये भागने का प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उनको दोनों को पकड़ा, पकड़ने के बाद जब उनके थैलों की तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति जिसने अपना नाम नाहर सिंह पुत्र गादीपाल उर्फ गद्दीपाल सखवार निवासी ग्राम गिदौली का होना बताया तथा दूसरा व्यक्ति रवि तोमर पुत्र राजा राम सिंह तोमर निवासी गिदौली का बताया। नाहर सिंह के जो बैग था उसकी तलाशी में एक 315 वर्ग की अदिया, 4 315 वर्ग के कट्टे व 2 जिंदा राउंड मिले। रवि तोमर का जो बैग था उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 3 पिस्टल 32 वर्ग की, 3 315 वर्ग के कट्टे, 2 पिस्टल के जिंदा राउंड व 1 315 वर्ग का जिंदा राउंड मिले। इनसे उक्त हथियार के लाइसेंस बाबत पूछने पर कोई हथियार का लाइसेंस होना नहीं बताया। उपरोक्त मुजरिम पकड़ा, उसके बारे में आज क्या कार्रवाई हुई? हाँ, कल एक महिला है, उम्र 26 साल है, यहाँ अम्बा में रहती है। इसके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करके रिपोर्ट की गई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक रिंकू सखवार नाम का आरोपी है। उस दिन उसके पति बाहर गए थे, सिलाई काम करते हैं, बच्चे स्कूल में गए थे या अकेली थी, 2:30 बजे की बात है। तब रिंकू सखवार आया और इसने कट्टे का भय दिखा के उसके साथ जबरन बलात्कार किया
और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर महिला काफी भयभीत हो गई थी। तत्समय में रिपोर्ट नहीं कर पाई, कल वो रिपोर्ट के लिए आई, जिस पर तत्काल TI अम्बा श्री अतुल सिंह द्वारा प्रकरण कायम किया गया और आरोपी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने एक विशेष टीम गठित की, जिसमें मोनिका शर्मा जो है उप निरीक्षक उनके द्वारा विवेचना की गई और आरक्षक पुष्पेंद्र और योगेंद्र जिनके द्वारा बड़ी मेहनत से और TI श्री अतुल सिंह द्वारा मेहनत से घेराबंदी करके आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ओके सर, थैंक यू सर। ये कल 376 का जो मुलजिम पकड़ा था उसके बारे में आज क्या कार्रवाई हुई है? दरअसल में एक करीब 26-27 साल की महिला अपने पति के साथ आई थी जी, और आते उसने बताया कि 20/11 को उसके पड़ोस में रहने वाला एक अपराधी जो है रिंकू शकवार उसके मकान में आया और कट्टे की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया जी। तब समय रिपोर्ट उसने इसलिए नहीं करी कि वो डर गई थी जी। जब उसका पति लौट के आया तो उसने पति को बताया जी। आज वो रिपोर्ट आई है तो उसकी तरफ से एक अपराध मंजूर किया गया है जी। फिर हमने तत्काल टीम कॉल करी और टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया जी। आरोपी को पकड़ा और आरोपी को कल न्यायालय पेश किया जाएगा। अच्छा ठीक है साहब, ओके।